हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो हम कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स बिगिन। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्ज़ाम के लिए तो जल्दी से अनुज जिंदल.in पर जाइए, अनुज जिंदल पे बाय कोर्सेज पे क्लिक कीजिए और ईएसआई पे जाके एनरोल कर लीजिए। इसमें आपको डिटेल्ड पीडीएफ्स, एमसीक्यू क्वेश्चंस और हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाएगी और स्पेशल गाइडेंस हमारी तरफ से मिलेगी। तो चलो अब अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्ट हैज़ अ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ 1.3, व्हाट डज इट मीन। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखो, जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है वो कैसे फाउंड होता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है हमारा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल आउटफ्लो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारा यही होता है, इनफ्लो अपॉन में आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का 1.3 दे रखा है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारा प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो का 100 होगा तो इनफ्लो कितना आ रहा है, 130, ये मीन हो गया। आगे अब ऑप्शंस देखते हैं। द एनपीवी इज लेस देन 0, तो क्या एनपीवी लेस देन 0 होगा। देखो, एनपीवी क्या होता है हमारा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी कैसे निकलता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। यही होता है इसका मतलब। देखो, अगर हम प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे 130 ले रहे हैं तो इसका एनपीवी क्या आ जाएगा, 30। तो मतलब क्या हो गया हमारा, एनपीवी पॉजिटिव हो गया। तो ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि एनपीवी लेस देन 0 तो नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट बात करी गई है दैट द पे बैक पीरियड इज मोर देन 1। पे बैक पीरियड क्या होता है कि हमने जो अमाउंट इन्वेस्ट करी, यहाँ पे जैसे 100 रुपीज इन्वेस्ट करे तो 100 रुपीज हमें कितने टाइम पे रिटर्न हो रहे हैं, कि मीन्स अगर जब हमने इन्वेस्ट करे तो 130 का इनफ्लो हुआ। अब 130 का इनफ्लो 1 साल में हुआ, 2 साल में हुआ, 3 साल में हुआ, 4 साल में हुआ, मतलब जो टोटल इनफ्लो हुआ कितने ड्यूरेशन में हुआ, वो बात हम करते हैं पे बैक पीरियड में। तो यहाँ पे तो ड्यूरेशन की बात ही नहीं हो रखी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, दैट द प्रोजेक्ट रिटर्न इज 1.3 फॉर एवरी वन इन्वेस्टेड इन दी प्रोजेक्ट। ये थोड़ा सुटेबल लग रहा है कि अगर हमने 1 रुपीज इन्वेस्ट करे होंगे तो हमें रिटर्न कितने का मिलेगा, 1.3 का। सिमिलरली जैसे हमने 100 रुपीज इन्वेस्ट करे तो हमें रिटर्न कितने का मिल रहा था, 130 का। एक बार अगले ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। दैट द IRR इज 1.3 टाइम्स दैट ऑफ हर्डल रेट। जो IRR है वो हमारा 1.3 टाइम्स है हर्डल रेट के। तो ये भी थोड़ा सुटेबल ऑप्शन नहीं है। कैसे नहीं है, हर्डल रेट क्या होती है कि जो हमने मिनिमम एक्सपेक्टेशन करी होती है कंपनी ने, और IRR हम निकालते हैं परसेंटेज पे, तो ऐसा कुछ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, दैट द प्रोजेक्ट रिटर्न इज 1.3 फॉर एवरी 1 रुपीज इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स इज रिफ्लेक्टेड इन। तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कब होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमारा आ रखा है ये, कि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कब होती है। देखो, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कब होती है, जब सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो। भाई नहीं, क्यों नहीं। देखो, अगर कंपनी का रेवेन्यू सेल्स बढ़ रहा है तो जो ही थोड़ा कि रेवेन्यू भी बढ़ रहा हो और जो ही थोड़ा कि वो शेयर होल्डर को मिल रहा हो, तो ये ऑप्शन नहीं है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज होने से, तो बिल्कुल भी नहीं। सेंसेक्स से, सेंसेक्स क्या होता है बच्चों, सेंसेक्स क्या होता है, सेंसेक्स एक बीएसई का इंडेक्स है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दूं, सेंसेक्स एक बीएसई का इंडेक्स है जो हमें बताता है कि जो हमारा बीएसई है वो कैसे मूव कर रहा है। जैसे हमारा निफ्टी किसका है, एनएससी का ना, तो बीएसई का 30 स्टॉक्स का इंडेक्स है हमारा। और कमेंट बॉक्स में जल्दी से सेंसेक्स की फुल फॉर्म लिख दो अगर पता है तो। देखो, क्रोम से नहीं देखनी, गूगल से नहीं देखनी, सेंसेक्स की फुल फॉर्म पता है तो लिख देना। लेकिन सेंसेक्स तो हमारे 30 स्टॉक्स का होता है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शेयर होल्डर्स की, तो वो भी हमारी वेल्थ क्रिएशन नहीं बताता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो लेट सपोज अगर मैंने कोई शेयर खरीदा 120 रुपीज का, अगर वो आज उसकी मतलब फ्यूचर में उसकी मार्केट वैल्यू हो जाए ₹150, तो मेरी वेल्थ बढ़ी नहीं बढ़ी? मैं शेयर होल्डर था, 120 की परचेज करी मैंने, अब वो 150 हो गया तो मेरी वेल्थ बढ़ी। तो मार्केट प्राइस बढ़ने से क्या होता है, शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। और एज यूजुअल मैंने आपको बताया हुआ है, एमसीक्यू अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन अपने माइंड में अटेम्प्ट करना है, फिर चेक करना है आंसर क्या, पता चल जाएगा कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन पैकिंग ऑर्डर थ्योरी द फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू। देखो जो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी थी, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी हमें क्या बताती है? पैकिंग ऑर्डर थ्योरी बताती है कि मैनेजर डिसीजन कैसे लेता है कैपिटल रेज करने के लिए। तो उसमें एक ऑर्डर दिया हुआ था हमें कि भाई मैनेजमेंट सबसे पहले इसको ऑप्ट करेगा अगर उसे फंड चाहिए, उसके बाद इसको करेगा, और उसके बाद किसको इसको करेगा। तो तीन चीजें की बात करी थी हमने ब्रॉड में क्या तीन चीजें थी कि सबसे पहले मैनेजर क्या डिसाइड करेगा, अगर उसे फंड चाहिए तो फंड सबसे पहले कहां से रेस करेगा, सबसे पहले वो उठाएगा अपने रिटेन्ड अर्निंग्स में से, रिटेन्ड अर्निंग्स में से। अगर उसके पास रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है और उसे फंड रेस करने हैं तो वो उठाएगा डेट में से। और लास्ट ऑप्शन उन्होंने किसको दिया था, इक्विटी को दिया था। और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो फंड रेजिंग का मेथड होता है वो देता है, क्या देता है, इशारा करता है इन्वेस्टर्स को कि मैनेजर्स कैसा सोच रहे हैं। लेट सपोज अगर कोई फंड मैनेजर डेट से पैसा उठा रहा है तो उसे मालूम है कि जो उसको रिटर्न आने वाला है उससे वो इजीली अपना इंटरेस्ट पे कर पाएगा। मतलब ये एक पॉजिटिव न्यूज है कि मैनेजर डेट से पैसा उठा रहा है। भाई इक्विटी से अगर पैसा उठा रहा है तो ये एक नेगेटिव न्यूज मानी जाती है कि भाई इक्विटी से पैसा उठा रहा है, कि जो हमारा फंड मैनेजर है उसे ये लग रहा है कि हमारे इक्विटी शेयर्स के प्राइस ज्यादा है और फ्यूचर में माइट भी वो इतना ना कर पाए कि इंटरेस्ट पे कर पाए। ठीक है, और फर्स्ट प्रायोरिटी उसके अकॉर्डिंग किसको रहती है, रिटेन्ड अर्निंग्स को। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैश फ्लो ऑफ ग्रीन पैक्स लिमिटेड बिहेव इन अ रैंडम मैनर। ठीक है, फाइंड आउट द अपर लिमिट। तो हमें अपर लिमिट निकालनी है एज पर मिलर और मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मिलर और मॉडल के अकॉर्डिंग हमें अपर लिमिट निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं एक डिटेल में पहले मिलर और मॉडल समझा देता हूँ। देखो मिलर और मॉडल है किस चीज के लिए, कैश मैनेजमेंट के लिए हमारा ये मॉडल है। किसके लिए, कैश मैनेजमेंट के लिए। तो मिलर और मॉडल क्या कहता है कि कंपनी एक अपनी मिनिमम लेवल रखेगा कैश का जितना उसे चाहिए, मतलब मिनिमम लेवल डिसाइड कर लेगा। लेट सपोज मैंने सोच लिया मेरी फर्म को 50,000 मिनिमम चाहिए कैश, मतलब एक बारी में 50,000 मिनिमम कैश होना चाहिए मेरी कंपनी के पास। फिर वो क्या कहता है, कंपनी डिटरमाइन करेगी अपना मैक्सिमम लेवल कि हम मैक्सिमम मेरे को लाइफ में क्या होता है कि 2 लाख रुपीज की एक साथ कैश की जरूरत पड़ सकती है। ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। कंपनी ने एक मिनिमम लेवल डिसाइड करा और एक मैक्सिमम लेवल डिसाइड किया। ध्यान से सुनना, मिनिमम लेवल डिसाइड कर लिया कि भाई 50,000 कैश चाहिए उस टाइम, मैक्सिमम मतलब मिनिमम लेवल में हमारे को इससे कम की मतलब इतना तो चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना कि मेरी जेब में, कंपनी की जेब में 10,000 रुपीज पड़े। मिनिमम 50,000 रुपये हमारे गले में होने चाहिए और मैक्सिमम कितना डिसाइड कर लिए, 2 लाख रुपए कि इससे बीच में जरूरत पड़ेगी। तो जो हमारा ये मॉडल है, ये मॉडल कहता है कि अगर हमारे पास हमारा कभी कैश फ्लो, हमारे अकाउंट में कभी कैश फ्लो मैक्सिमम को टच कर जाए तो कंपनी को क्या करना चाहिए, उस एक्स्ट्रा पैसे की सिक्योरिटीज खरीद लेनी चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीद लेनी चाहिए। कहां तक खरीदने चाहिए, एक रिटर्न पॉइंट होगा उधर तक हमें एक मतलब एवरेज मेंटेन करने के लिए इतनी अमाउंट की मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीद लेनी चाहिए कंपनी को। देखो सिंपल सी बात है, कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा है, उस एक्स्ट्रा पैसे को यूटिलाइज करे, बीच में मेंटेन हो जाए इतने पैसे की, वो उसे सिक्योरिटीज खरीद लेनी चाहिए। ठीक है, फिर उसमें मान लो कंपनी का कैश फ्लो चल रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, और मान लो कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां पे उसका लेवल मिनिमम हो जाए कि लेट सपोज मेरे अकाउंट में भी सिर्फ 50,000 पड़े, तो उस टाइम कंपनी को क्या करना चाहिए, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदी थी तो रिटर्न पॉइंट तक दोबारा आने के लिए उन सबको सेल कर देना चाहिए। तो मतलब ये मिलर ऑर मॉडल क्या समझा रहा है कि कंपनी को अपना जो कैश लेवल है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में मेंटेन करना चाहिए। अगर वो मैक्सिमम को टच कर रहा है तो सिक्योरिटीज बाय कर लो, अगर मिनिमम को टच कर रहा है तो सिक्योरिटीज सेल कर दो। सिंपल सी बात है, अपने कैश लेवल को मिनिमम इनके बीच में मेंटेन करना चाहिए बस कंपनी को, ठीक है। ये मिलर ऑर मॉडल बोलता है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, मैक्सिमम लेवल निकालना। तो मैक्सिमम लेवल निकालने का एक तरीका होता है इसमें, तो भी हम वो डिस्कस करते हैं। देखो जो मैक्सिमम लेवल है उसका तरीका क्या होता है मैक्सिमम लेवल निकालने का, मैक्सिमम लेवल या फिर अपर लिमिट, या फिर अपर लिमिट। उसका तरीका क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड, लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या, मान लो अगर मैंने ये कंपनी मैंने आपको बता दिया 50,000 और बोल दिया कि जो हमारा स्प्रेड है वो है 1,50,000 का, तो आप बता पाओगे कि हाँ भाई हमारा मैक्सिमम लेवल हो गया 2 लाख रुपीस का। मिनिमम लेवल बता दिया मैंने, लेट सपोज 50,000 चाहिए और स्प्रेड बता दिया 1,50,000 का, तो हम बता पाएंगे मैक्सिमम लेवल कितना होगा सर 2 लाख रुपीस, या पर लिमिट क्या होगी 2 लाख रुपीस। तो यही हो गया लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड। देखो जो लोअर लिमिट होगी वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। देखो एक बार क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, एक बार और डिटेल में सर्च लेते हैं। देखो द मिनिमम कैश बैलेंस इज 1,000 रुपीज, तो लोअर लिमिट तो हमें 1,000 रुपीज दे रखी है। और जो स्प्रेड होता है उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, तो उसका फॉर्मूला होता है 3 अंडर रूट ऑफ हमारा 3 टी वी अपॉन में 4 आई। सर टी क्या होता है, टी होता है हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कौन सी, जब अभी हमने बात करी यहाँ पे कि भाई सिक्योरिटीज खरीद लो बेच लो, तो इसमें जो कॉस्ट जाती है उसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। वी होता है हमारा वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है कैश फ्लो कितना चेंज हो रहा है। आई होता है हमारा इंटरेस्ट रेट, ठीक है कि कितना एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट है हमारा। अब ये एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा साइड में जाके कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे ऊपर। तो अंडर रूट 3 इंटू हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी दे रखी है, द कॉस्ट ऑफ एफिशिएबल मार्केट ट्रांजैक्शन इज ₹20, तो ₹20 हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे रखी है। वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस नहीं दे रखा सर, स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है 1200 का, तो 1200 का स्टैंडर्ड डिविएशन, तो वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा 4 इंटू आई। आई क्या है इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया 0.01%, तो ये क्या हो जाएगा 0.01%, तो 0.0001 यही हो गया। परसेंटेज हटाऊंगा तो अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 4 वो लग गए, 1 2 3 4, 4 से काट देते हैं 300। तो अब कितने जीरो है पहले तो ये हटा देता हूँ, 1 2 2 4 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 8 प्लस 1 9, तो ये 9 हो गया। तो 9 को अगर मैं वो कर लूँ, 9 का वो निकाल लूँ, 9 को अगर बाहर ले लूँ तो ये क्यूब रूट होता है। कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार, 12 इंटू बचा क्या क्या हमारे पास 12 इंटू 3 इंटू 6, यही बचा 12 3 6, तो 6 3 जा 18 और 18 इंटू 12 हो जाएगा हमारा 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 36 और 18 तो 6 11 216। अच्छा एक फॉर्मूले में एक चीज़ रह गई थी, ये हमारा क्यूब रूट होता है, ध्यान से रखना क्या होता है ये क्यूब रूट होता है। तो क्यूब रूट ऑफ मतलब ये स्क्वायर रूट नहीं होता, क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट, ठीक है ना। तो अंदर क्या आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करूँ तो क्यूब रूट ऑफ 216 और आगे 10 रेज टू पावर 9, 10 रेज टू पावर 9, तो 10 रेज टू पावर 9 जाएगा तो बाहर आ जाएगा 3 और 216 होता है हमारा क्यूब रूट ऑफ 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6000। तो मतलब मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करी है जो कि आई है हमारी 6000 रुपीज। तो ये क्या हो जाएगा 1000 प्लस 3 इंटू 6000, तो 6 3 जा 18 18 प्लस 1 19,000, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19,000। ये बस मैंने ऊपर कैलकुलेशन करी है, इसे देख के घबराना मत। ये फॉर्मूला है क्यूब रूट ऑफ 3 टी वी अपॉन में 4 आई। आपके क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल में एक वो नहीं आएगी, और यहाँ पे भी वैसे इजीली था, बिना कैलकुलेटर से सॉल्व हो रहा था, ठीक है। अगर आपको मिनिमम लेवल पूछ लेता तो वो भी हम निकाल पाते हैं। अब स्प्रेड पूछ लेगा तो तुम वो भी तुम निकाल पाओगे, मतलब मिनिमम लेवल तो नहीं पूछेगा, अगर मैक्सिमम लेवल दे दे तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो इससे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल ऑफ EBIT इन EBIT EPS लाइन इस, तो सर फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल क्या होता है पहली बात, फिर EBIT EPS लाइन। पहले तो EBIT EPS लाइन बना देते हैं। तो अगर मान लो ये EBIT EPS लाइन बना देता हूँ मैं, यही हमने सीखी थी, ये होती है EBIT EPS एनाल EBIT EPS लाइन। अब उन्होंने पूछा कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल कौन सा होता है। देखो फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल कौन सा होता है, जिसमें कंपनी के जो फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं वो प्रॉफिट से पे कर सके। फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस कैसे हो गए, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया कंपनी का, इंटरेस्ट जिसपे पे कर सके, मतलब इतना प्रॉफिट कमा रही है कि सिर्फ इंटरेस्ट पे हो रहा है। मान लो कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया 6000 का कमाया और 6000 इंटरेस्ट था, तो वो हमारा क्या हो गया फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अगर देखो प्रॉफिट कुछ नहीं आ रहा एक्स्ट्रा, तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी, जीरो। देखो जो सारा कंपनी ने प्रॉफिट कमाया वो इंटरेस्ट देने में निकल गया, वो हो गया फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ते थे ना हम सेल्स वाले में भी, कि भाई जिसमें इतनी क्वांटिटी की, इतनी अमाउंट की सेल्स कि हमारी कॉस्ट निकल जाए सारी वेरिएबल, है ना, वही पढ़ते थे, मतलब हमारी सारी कॉस्ट निकल जाए, प्रॉफिट ना आए। सिमिलरली इधर क्या हो गया ब्रेक इवन लेवल, कि भाई हमारा उतना प्रॉफिट कि हमारा इंटरेस्ट सारा चला जाए, जो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस है वो चले जाए, तो हमारे पास जो एंड में हमारे लिए प्रॉफिट बचा वो जीरो बचा। जब एंड में हमारे लिए प्रॉफिट जीरो बचा तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अर्निंग पर शेयर तो कुछ मिलेगा ही नहीं, जीरो। तो मतलब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होगा, जहां अर्निंग पर शेयर जीरो होगा, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे जीरो है। तो इसका आंसर मतलब क्या हो जाएगा, जहां लाइन हमारी एक्स एक्सिस से कट करेगी, और एक्स एक्सिस को कट करने को क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस। समझ आया, चले आगे। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा की तरह आपके लिए, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ अ स्टूडेंट इज अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप रिसीवेबल ओवर अ 12 months, What calculation he should use to find out worth of scholarship today? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस की टर्म्स पे फोकस रखना। Over next 12 months, इसका मतलब ध्यान से सोचना, और इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स पे जाइए। तो कमेंट बॉक्स में आपको दो चीजें का आंसर देना है, एक सेंसेक्स की फुल फॉर्म, ठीक है ना, और गूगल कोई नहीं करेगा, सेकेंड इसका आंसर, ठीक है। That's all for today. Bye bye. Take care. See you soon.